इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोग उस दिन कर चुके हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया. एल्वियोलाई स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ कमिंग टू द टर्म्स रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी एंड देन देयर इज द लास्ट दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अक्रॉस द बॉडी. सो टू टॉपिक्स आर लेफ्ट. होपफुली विल बी फिनिशिंग दिस कंप्लीटली बाय मंडे. ठीक है. एंड ऑन वेडनेसडे एज इट्स अवर टेस्ट डे, राइट? सो ऑन वेडनेसडे यू विल बी हैविंग अ रिटन टेस्ट ऑफ द फुल दिस चैप्टर, राइट? यू ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दोज हु आर कमिंग ऑफलाइन फॉर द क्लास, यू विल बी गिविंग द रिटन टेस्ट ऑन द शीट्स. ठीक है, शीट्स पे देंगे आप लोग, जैसे पहले होता था. आप स्कूल की अपनी शीट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो योर रजिस्टर शीट्स. इट इज बेटर टू टेक दोज स्कूल शीट्स. ठीक है, तो बंडल मिलता है, अदिति को थोड़ा समझा देना. ठीक है, तो आप अपनी टेस्ट शीट्स पे पेपर देंगे जो भी टेस्ट होगा आपका. और बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं, सिर्फ वो वाले जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया, सिर्फ वो वाले. कंसेंट लिस्ट मैंने ले लेनी है मैम से. सिर्फ वो वाले ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, उन लोगों की स्क्रीनशॉट्स इन पीडीएफ फॉर्म मेरे पास आएंगे. ठीक है, समझ गए? योर टेस्ट टाइमिंग आर द सेम, 5 o'clock वेडनेसडे. ठीक है, दोबारा मैंने रिपीट नहीं करनी है सारी कंडीशंस. टेस्ट आपका यहाँ होगा ऑफलाइन क्लास में. ठीक है, और बाकी जो है उनके लिए क्वेश्चन चेंज होके शाम को आएगा 5 बजे. ठीक है, उनका सेट बी होगा, आपका सबका सेट ए होगा. ठीक है, चलो. सो कमिंग टू द टर्मिनोलॉजी नाउ, बेसिकली व्हाट इज देयर इज दिस इज वंश कपूर. ओके, दिस इज टर्मिनोलॉजी में क्या है. हमने अब बेसिकली क्या किया, हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया. हमने सिस्टम पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, हमने ये चीजें पढ़ ली, कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट से हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने, है ना. अब बेसिकली क्या है कि हम इनमें कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म्स इन रिगार्ड्स टू द लंग्स, द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट यू आर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग आउट, इन चीजों के बिहाफ पे हमने कुछ टर्म्स लगाई हैं यहाँ. ठीक है, वी यूज टू यूज सम ऑफ द टर्म्स इन रिस्पेक्ट टू द ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन सिस्टम. ठीक है, जैसे एक टर्म बड़ी फेमिलियर से आप लोगों ने सुनी हुई है 10th में, दैट इज द रेजिडियल वॉल्यूम. सुना है रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है, पहले वही लिख लेते हैं. व्हाट इज द रेजिडियल वॉल्यूम? द एयर लेफ्ट विद इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन और द फोर्सफुल एक्सपिरेशन. फोर्सफुल एक्सपिरेशन व्हेन यू फोर्सफुली एक्सपायर आउट, राइट? लाइक आप लोगों ने सांस लिया, एक नॉर्मल साइकिल चल रहा है आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन का. अगर आप बहुत फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हो, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में रह जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस रेजिडुअल वॉल्यूम. दैट इज द अमाउंट ऑफ द एयर लेफ्ट विद इन द लंग्स after forceful exhalation or expiration. After forceful exhalation, what is the significance of this? And why it is left? To prevent the collapsing of the lungs or ताकि lungs जो है वो पूरी तरह से collapse ना हो जाए, तब भी थोड़ी सी air रह जाती है. And also to create the next cycle, continue the next cycle of inhalation and exhalation. कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी अमाउंट बची होगी तो हम कह सकते हैं ना, this is a low concentration या low pressure is generated by the gas. अगर air ही नहीं है तो low वाला concept ही खत्म हो गया, है ना. आप लोग osmosis में भी आगे पढ़ते हो ना कि आपका osmosis जो process है वो high to low तब होना है जब high concentration of the solvent and solute molecules always available है, लेकिन दूसरी तरफ भी मेम्ब्रेन के कुछ ना कुछ अवेलेबल हो. अगर आपने पानी में आधा चम्मच चीनी भी घोल के रखी है तो दैट्स अ सॉल्यूशन, है ना, फिर वो हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट चले जाएगी. लेकिन अगर आपने रखा ही वहां पे कल्ला पानी है या कुछ भी नहीं रखा है ऑन द मेम्ब्रेन अदर साइड, देन देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, है ना. ऐसे ही यहाँ पे हमारी गैसेस एक्सचेंज में, तो गैसेस में भी क्या होता है, हम लोग की गैसेस जो है हम लोग अगर ले रहे हैं, मतलब अगर हम लोगों ने इनहेल किया है, कुछ गैसेस अंदर जा रही है, अमाउंट ऑफ गैसेस गोइंग इन, दैट इज ओनली बिकॉज देयर इज लो प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड द लंग्स. इफ देयर इज नथिंग इन द लंग्स तो हाई एंड लो वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. वो होना था हाई एंड जीरो. हाई टू जीरो तो नहीं जाता कुछ, हाई टू लो जाता है, हाई एंड जीरो पे नहीं जाता कुछ.
ठीक है. सो दैट इज द टू सिग्निफिकेंस पॉइंट्स ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है. नंबर वन, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, एंड सेकेंड, इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग. द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. नाउ दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज लेफ्ट ओनली आफ्टर द फोर्सफुल एक्सहेलेशन. Now we have another term, that is FRV, functional reserve volume. What is this? Functional residual volume, sorry. Functional residual volume. What is this functional residual volume? This is the same. जैसे यहाँ पे है amount of the air left within the lungs. But this was after the forceful exhalation. This is after the normal exhalation. Functional क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये नॉर्मल साइकिल हमारा चला रही है. ठीक है, अननोइंगली वी आर एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग इन, एंड देयर इज सम अमाउंट व्हिच इज लेफ्ट विद इन द लंग्स. ठीक है, विद अ नॉर्मल एक्सहेलेशन एज वेल, राइट? एंड दैट इज वन व्हिच इज फंक्शनल द होल डे और थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट योर लाइफ. वो ज्यादा फंक्शनल है क्योंकि ज्यादा समय आप एक्सहेल फोर्सफुल नहीं करते हो, है ना? ज्यादा समय आप इनहेल फोर्सफुल नहीं करते हो. व्हाट यू डू इज अ नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. And in that there is a normal amount of the air which is left, and that is called as functional residual volume. Likho. So this is the amount of the air left. Again the same. That is again the amount of the air left within the lungs. Left within the lungs after normal exhalation. After normal exhalation. एक नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हमारे अंदर कुछ एयर जाती है या बाहर आती है, है ना? देयर इज अमाउंट ऑफ द एयर विच वी इनहेल इन और एक्सहेल आउट नॉर्मली. दैट कंट्रीब्यूट्स टू द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, राइट? सो राइट डाउन, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर, अगेन अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड नॉर्मली. नॉर्मल तरीके से आप जितनी हवा अंदर और बाहर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम. डन. नाउ नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV. इन सबके शॉर्ट फॉर्म्स भी ऐसे ही हैं. दिस इज टाइडल वॉल्यूम इज TV, दिस इज FRV, दिस इज RV. ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स भी एक्सपैंड करने आ सकती हैं, और प्लस इनकी वॉल्यूम्स अगर कोई बुक में मैंशनड है तो वो अपने याद कर लेना. ठीक है, सबकी नहीं होंगी, कोई एक आधे की होगी. टाइडल वॉल्यूम मेरे ख्याल से होगी, आई एम नॉट श्योर, इट इज 5,000 to 6,000 mL, चेक कर लेना. सो जो भी वॉल्यूम्स मतलब लिखी हैं बुक में, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल कंडीशन ऑफ अ टाइडल वॉल्यूम, लेट्स से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. फुल फॉर्म्स आ सकती हैं या इसकी पूरी फुल फ्लेज डेफिनेशन आ सकती है. ठीक है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कमिंग बैक टू दिस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड विद दिस? एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दूसरा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दो चीजें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब क्या है अकॉर्डिंग टू यू? कैन एनीवन प्लीज गेस ऑफ दिस? हाँ जी, कैन यू गेस फॉर दिस? लेफ्ट इन लंग्स वाली तो रेजिडुअल है, जो लेफ्ट रह गई है मतलब जो रह गई है वो रेसिडुअल. द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है या अमाउंट ऑफ एयर है जो हम इनहेल कर सकते हैं अंडर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद. मतलब जब आपने एक बहुत लंबी सी सांस छोड़ी, ठीक है, उसके बाद आप कितनी मैक्सिमम एयर अंदर ले सकते हो, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. लिखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर
amount of air, the amount of air which can be inspired या inhaled, which can be inhaled after forceful exhalation. मतलब आपने बहुत ज्यादा कैविटी खाली कर दी है, उसके बाद आप कितनी ले सकते हो, दैट इज द रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, जब आप एक नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद कितनी इनहेल इन कर सकते हो. ठीक है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद नॉर्मल इनहेलेशन की आपकी कैपेसिटी. मैंने सही बोला ये? एक सेकेंड बुक बुक दिखाना. दिस इज, लिख लो फिलहाल, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इनहेलेशन. अच्छा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन से नहीं है, फोर्सफुल इनहेलेशन से, दैट इज बाय द फोर्सफुल इनहेलेशन. इनहेलेशन से आप कितनी ले सकते हो, आफ्टर की बात नहीं करी इसमें. ठीक है, और रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. हाँ ये ठीक. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन. आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आप कितनी नॉर्मल इनहेलेशन कर पाते हो. मतलब क्या होता है, आप लोगों को जब भी सांस चढ़ी है, कई बार आप थके हुए हो, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अंदर बॉडी की होती है, हम लोग की एक कैपेसिटी है, हम लोग नॉर्मल लेते हैं सांस, लेकिन हमारी कैपेसिटी उससे थोड़ी बढ़ के है. अगर आप नॉर्मल एक्सहेल करें, है ना, कई बार थके आए, किताबें रखी, नॉर्मल एक्सहेल किया, लेकिन लंबा सा सांस लिया, है ना, यू इनहेल्ड इन अ बिग, लाइक बड़ा सा सांस लिया, है ना, तो उस समय में आपकी जो कैपेसिटी थी लंग्स की, उसी हिसाब से आप अपनी क्या है, इनहेलेशन कर पाते. नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप नॉर्मल इनहेल करते हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी उससे थोड़ी ज्यादा, आप इनहेल ज्यादा भी कर सकते हो, एंड दैट इज अ फोर्सफुल इनहेलेशन से जितना कर पाते. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है दैट इज आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन. आप नॉर्मल करो या फोर्सफुल इनहेल करो, लेकिन नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी ले पाओ, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. समझ आया? रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितनी इनहेल इन कर सकते हैं हम. ठीक है, वो हमारी एक रिजर्व वॉल्यूम, जैसे आप लोग के स्कूटर्स में होता है रिजर्व वाला एक रेड बॉक्स होता है. ठीक है, वो क्या है, आपका एक मीटर है, आपका फ्यूल मीटर है, वो फ्यूल मीटर आपको बताता है कि ये इतना सारा पेट्रोल आपकी उसमें चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है. ठीक है, लेकिन वो फ्यूल मीटर जब भी वो रेड बॉक्स के पास आ जाता है, तो हमें इंडिकेशन हो जाती है ना, नाउ वी आर टू फिल इट अगेन. क्यों? क्योंकि वो रेड बॉक्स में थोड़ा घिस पिट के चल जाएगा आपका व्हीकल, लेकिन दैट इज द अलार्म कि अब आपको भरवाना है दोबारा फिर से फ्यूल. ऐसा होता है ना, तो दैट इज द रिजर्व, हम उसको रिजर्व बोलते हैं. पता है आपको, वैसे तो पेरेंट्स ही फिल करवाते होंगे आपके व्हीकल्स, है ना, तो हमें यूजली नहीं पता होता है. देखना अपने फ्यूल मीटर पे, ये आपकी जो व्हीकल्स हैं उनका सामने जो मीटर लगा होता है उसमें फ्यूल मीटर भी होता है, छोटा सा एफ लिखा होता है. ठीक है, तो दैट इज द रिजर्व. रिजर्व मीन्स जितनी आप ज्यादा से ज्यादा उसमें भरवा सकते हो, तो वो रिजर्व में भी जाके पड़ जाती. तो रिजर्व वाला जो इंजन वाला साइड होता है ना, जहाँ पे उसने पड़ा रहना है, वो जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर, तो वहां से जब निकलना शुरू हो जाता है, दैट्स एन अलार्म फॉर अस. ऐसे ही यहाँ पे रिजर्व वॉल्यूम, ये रिजर्वड है, जितनी तुम फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा इनहेल इन कर सकते हो. कई बार हम छोटा लंबा सांस लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत ही ज्यादा बड़ी सांस लेते हैं. लंग्स तो वही है, है ना, लंग्स तो वही है, काम तो वही करेंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी अलग है. अभी ये कोविड में भी हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो बहुत यूज हो रही थी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सुना कभी कोविड वाला कंसेप्ट? कभी सुने होंगे अगर आपने कभी ऑनलाइन या सर्च किए होंगे, तो वहां पे ये वाला टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दैट इज डॉक्टर्स आर रिकमेंडेड, लाइक आप लोग का बॉडी पोस्चर क्या है, दिस इज योर फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द बॉडी. इफ यू ले डाउन योर सेल्फ फॉर एन आवर इन अ डे, अगर कम से कम मिनिमम आप एक घंटा भी इस पोस्टर में सोते हो, पूरा प्रॉपर आपका फुल बॉडी जो है विद कंटेक्ट टू द बेड, है ना, फ्रंट बॉडी, अगर आप इस बॉडी पोस्टर में सोते हो, तो कुछ टर्म यूज करते थे इस पोस्टर को, तो उससे क्या होता है, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है. ठीक है, हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हमें सांस लेने में इजीनेस रहता है. अभी ये सेकेंड वेव में क्या हुआ, लोगों को सांस की प्रॉब्लम पड़ गई, है ना, ऐसे ही हुआ था ना, लोगों को सांस का प्रॉब्लम आ रहा था. क्यों? बिकॉज उनका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं था,
so as to tackle that infectious lungs with the normal inhalation. दोनों चीजें मैच नहीं कर पा रही थी, तो वहां पे उन्होंने बेस्ट क्योर यही बताया उस समय. ठीक है, सेकेंड वेव के टाइम पे ये बहुत ज्यादा चल रहा था. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ाओ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ाओ. कैसे बढ़ाओ? बाय लेइंग लंग. ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज अ नॉर्मल गुड प्रैक्टिस ऑल्सो. आप लोग के योगासन वगैरह जितने होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे पोस्टर्स में होते हैं ना, आपको ले डाउन नीचे करवाते हैं, फिर आपको उल्टा लिटवाते हैं, है ना, ऐसा कुछ. तो दैट इज अगेन टू इम्प्रूव योर कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये तो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्सहेलेशन नहीं, फोर्सफुल इनहेलेशन से जो अंदर हम इनहेल करेंगे. ठीक है, एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी हम कह सकते हैं जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, वो भी टर्म आप लगा सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने लिखा था आफ्टर द, मैंने फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद लिखा था, आप नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन भी लिख सकते हो, दोनों सही है. ठीक है, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आफ्टर द रेसिडुअल वॉल्यूम देयर इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब यही वाला हमारे पास, दिस इज आई आर बी, नाउ वी हैव ई आर बी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगेन द सेम, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन द मैक्सिमम योर बॉडी और योर लंग्स कैन होल्ड विद अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दैट इज द रिजर्व. ठीक है, आफ्टर द नॉर्मल इनहेलेशन लिख लो, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली, that can be exhaled forcefully. ठीक है, similar is the capacity, expiratory capacity, EC. क्या होगा EC, expiratory capacity? हाँ जी, ये आपको बेटा ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कौन normal condition में है, कौन forceful में है, ये terms आपको बहुत ध्यान में रखनी है. ठीक है, लिखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. क्या है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? जो नॉर्मल एक्सहेल कर सकते हैं हम, है ना, दैट्स अमाउंट ऑफ द एयर. यहाँ पे लिखा आपने द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन लिख लो. वाइटल, इसके बाद आएगी वाइटल. Vital is both ways forced होता है, वैसे आपकी बुक में कल्ला forced का दोनों ही है. हाँ, the maximum volume of the air can be breathed in or out after the forceful inhalation and exhalation, that is the vital. Vital, सिर्फ यहाँ पे आपने forceful और normal का ही ध्यान ज्यादा रखना है कि कौन सी forceful conditions में आ रही है और कौन सी normal में आ रही है. ठीक है, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड दोनों. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, बोथ वेज. ठीक है, दोनों तरीकों से. अभी तक आपने कल एक एक तरीके से किया ना, एक्सहेलेशन इनहेलेशन फोर्सफुल, अलग अलग तो रिजर्व है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी क्या है? दोनों तरीकों से फोर्सफुल, या इनहेल करो या एक्सहेल करो. कई बार इतने ज्यादा थके हुए होते हैं हम तीन चार सांसें इकट्ठी लेते हैं लंबी लंबी, है ना, इनहेल इन बहुत लंबा सा किया, हमें खुद में फीलिंग आता ही है एक्चुअली जब हम इनहेलिंग करते हैं. जैसे अभी मास्क लगाया, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है ना, अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, योर ब्रेन विल एम्फसाइज योर बॉडी, योर ब्रेन विल एम्फसाइज योर लंग्स, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम टू इनहेल इन मोर ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टिव. व्हाट वी डू इज, जो टीचर्स यूजली करते हैं, मास्क नीचे उतार के सांस लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है उस चीज में, और उसमें एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन उतना चाहिए.
पर वो ऑक्सीजन हमें आ नहीं रही है, जिसकी वजह से हम इनहेल एंड एक्सहेल कई बार बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन चल रही, एंड दैट ऑल गोज टू द वाइटल कैपेसिटी. ओके, नाउ टुगेदर ऑल दीज, दैट इज योर नॉर्मल इनहेलेशन से लेके रिजर्व कैपेसिटी से लेके सारा का सारा, दैट इज द मैक्सिमम जो आप लोग ले सकते हैं, है ना. मैक्सिमम जो इनहेलेशन हो सकती है रिजर्व कैपेसिटी से लेके, मैक्सिमम इनहेलेशन लेके प्लस साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम लेके, अगर आप इन सारी चीजों को सम अप कर देते हो, यू गेट टू हैव द टोटल लंग कैपेसिटी. वन वे साइड अगर आप बात करेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, दैट इज सिर्फ या तो इनहेलेशन को ऐड करो या सिर्फ एक्सहेलेशन को ऐड करो. मतलब क्या, आप सिर्फ आईआरवी, आईसी एंड आरवी, जो रेजिडुअल वॉल्यूम लिखा था पहले, है ना, आईआरवी, आईसी, आरवी, इनको ऐड कर दो, ठीक है. या आप अपनी नॉर्मल कंडीशंस में टीवी भी आएगा, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल में वो भी आता है टाइडल वॉल्यूम, तो उन सारी चीजों को टुगेदर इकट्ठा कर देंगे तो दैट मेक्स योर टोटल लंग कैपेसिटी, इधर फॉर इनहेलेशन और फॉर एक्सहेलेशन, ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज अ टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी मतलब सब कुछ मिला के इन ईदर साइड, इधर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों इकट्ठा नहीं, इकट्ठा करेंगे तो वो बहुत बल्कि अमाउंट बन जाएगा, ठीक है. इधर बाय इनहेलेशन और बाय एक्सहेलेशन वी गेट टू हैव द टोटल लंग कैपेसिटी. आप अगर इसका रेफरेंस बुक्स में देखेंगे ना, ग्राफिकल शो किया होता है ये सारी चीजें, ठीक है. एक आपकी नॉर्मल लंग कैपेसिटी ऐसे मार्क कर दी, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो रिजर्व में ले गए, फिर जो नॉर्मल है ये एक्सहेलेशन शो कर दिया नीचे और आईआरवी दे दिया ऊपर, ऐसा कुछ, ठीक है. सो दे शो इट लाइक टुगेदर विद द ग्राफ, राइट, इन योर रेफरेंस बुक्स इफ यू सी. आई डोंट थिंक यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में नहीं है. तो टोटल लंग कैपेसिटी वो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा लंग कैपेसिटी मार्क कर देंगे, ठीक है. यहाँ किसी बुक्स में टोटल लंग कैपेसिटी सिर्फ इतना से इतना और इतने से इतना अलग अलग मार्क कर देंगे, बात तो वही है, इनहेलेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे, यहाँ टुगेदर पूरे की बात कर देते, ठीक है. पर हम इनहेलेशन वाली जो एयर है उसको हम एक्सहेलेशन वाली एयर में मिक्स नहीं कर सकते, ये भी तो है, ठीक है. तो हमने टोटल लंग कैपेसिटी लेना है इधर वे में, इधर वे मतलब यहाँ इनहेलेशन के लिए लिखो, यहाँ एक्सहेलेशन के लिए लिखो, डन, ठीक है. टर्म्स क्लियर हो गई. अब ये टर्म्स आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इन सब की जो डेफिनेशंस हैं, इनहेलेशन से है या एक्सहेलेशन से है, फोर्सफुल से है या नॉर्मल से है, ये दो चीजें आपने खास ध्यान रखनी है, ठीक है. बेटर इफ यू लर्न द सेम टर्मिनोलॉजी दैट इज फ्रॉम दिस बोर्ड, फ्रॉम द नोट्स. मेरे ख्याल से मैंने हल्की टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज की होगी, और अगर आप बेटर है, ये इजी लैंग्वेज है, अगर आप ये याद कर सकते हैं इट्स गुड, अगर नहीं तो अपनी एनसीईआरटी बुक वाली लैंग्वेज याद करेंगे और उसमें ऑल्टरेशन नहीं करेंगे, ठीक है. टर्म्स में हम अपनी तरफ से ऑल्टरेशन कर देते हैं, लिखा है फोर्सफुल एक्सहेलेशन, हम उसको बना देंगे नॉर्मल इनहेलेशन के बाद या कुछ भी ऐसा, ठीक है. अगर आप ऐसा कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकल आता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है. अब ये एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आपको मैं बोल रही हूँ, सीधी की सीधी ये वाली लाइन याद कर लो अपनी बुक में से, और क्वेश्चन हर बार रहेगा आपके हर तरह के पेपर के अंदर, ठीक है. इनमें से क्वेश्चन पक्का से रहेगा हर पेपर के अंदर, ठीक है. कुछ भी पेपर में आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकती है, कैपेसिटीज लिखी हुई हैं उसके अंदर वो भी आ सकती हैं, प्लस आपको ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, या आपको उल्टा आ सकता है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर दिस कंडीशन, है ना. एमसीक्यू भी बनाना है हमने, तो एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, अगर इफ अ पर्सन इज रिस्पायरिंग, इफ द पर्सन इज रिस्पायरिंग लाइक ये दे दिया हमने, द अमाउंट ऑफ द एयर दैट द पर्सन इज इनहेलिंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सहेलेशन, द व्हाट टर्म कैन जस्टिफाई दिस कंडीशन, ठीक है. नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन से आपकी कौन सी टर्म आपको जस्टिफाई करती है, ठीक है. तो ऐसी चीजों में आपको वन वर्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशन भी आ सकता है, सारा कुछ ही, ठीक है. डन, राइट, एनी कंफ्यूजन? हाँ जी, रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होगी, कैपेसिटी है जब हमने उसको लिया, जितना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लिया, रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, जो रिजर्व में हम डाल सकते हैं एयर, अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है. कैपेसिटी तो हमारी लंग्स की उतनी है, लेकिन हमने फिर भी उसको नॉर्मलाइज्ड कैपेसिटी में से नॉर्मल कंडीशंस में दी जाती है,
लेकिन हमने उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के डाला, ठीक है। एयर कैन बी इनहेल्ड इन फोर्सफुली, सो इट विल बी एक्सहेल्ड आउट ऑल्सो फोर्सफुली। जब कई बार आप ना चाहते हुए भी एक्सहेलेशन फोर्सफुल कर देते, कई बार हमें सांस नहीं आती होती, आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये इमेजिन करी होंगी, ये चीजें कभी फील करी होंगी, आप लोग को सांस नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या किया, इनहेल इन बहुत खींच खींच के दो तीन बार किए, और अब चाहते नहीं थे कि आप गैस को एक्सहेल आउट भी करें बार बार, है ना। आप चाहते हो कि अंदर इकट्ठी हो जाए बहुत सारी गैस मेरे, है ना, तो अच्छी सी ऑक्सीजन जाएगी तो अच्छे सी एनर्जी रिलीज आउट होगी, पर वो इकट्ठी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप उतनी ही फोर्सफुली बाहर भी फेंक देते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिजर्व कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है आपकी, कैपेसिटी हमेशा लंग्स की कम रहेगी एज इन कंपेरिजन टू जो फोर्सफुल आप एड कर रहे हो, उसमें फोर्सफुली बाहर निकाल भी रहे हो। कैपेसिटी से बढ़ के देते हो ना, इसलिए बढ़ के निकाल भी देते हैं, रख नहीं पाते। कैपेसिटी अगर ज्यादा होती तो हम फोर्सफुल को रिटेन कर पाते अपने अंदर, समझ गए, ठीक है। सो ये कंडीशंस आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। बाय व्हाट टाइम योर पीरियड गेट्स ओवर अकॉर्डिंग टू न्यू टाइमिंग्स, 50 या 55, 48 तो हो चुके हैं, 50 पे होती, पहले 45 पे होती थी ना, 5 मिनट्स लेट हो गए। सो दिस इज डन एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट विल टेक 1 or 1.5 पीरियड नियरली टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, एंड ऑल्सो देर आर 2 more concepts दैट आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, हेल्डन इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये हर बार पेपर में आते हैं, राइट। तो ये आपको रेफरेंस बुक से करवाए जाएंगे, और अपनी असाइनमेंट कॉपी के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए इनके सारे फटाफट से। असाइनमेंट कॉपी अब साथ साथ होनी चाहिए, और पेपर वाले दिन यानी प्रैक्टिकल वाले दिन मुझे कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास असाइनमेंट कॉपी नहीं है या मुझे पता नहीं था, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फर्स्ट डायग्राम्स बनाने आपने, एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड आप लोगों ने लिखना है उसमें, थर्ड आपने लिखना है बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट। होपफुली वी विल बी फिनिशिंग ऑन मंडे, बट इफ नॉट देन बाय ट्यूजडे प्रॉपरली वी विल फिनिश दिस, राइट। डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, आप कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हो इसको। सो बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेन्स इफेक्ट, दो ये चीजें आपने लिखनी है, क्योंकि ये आपकी बुक की नहीं है, ठीक है, बुक से बाहर की है। डन, तो दो चीजें आपने ये लिखनी है, बोहर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट, और दो आपने डायग्राम बनाने, दैट्स इट। बाकी ये सारा काम आपकी ड्राफ्ट कॉपीज पे चल ही रहा, ठीक है, फॉर असाइनमेंट कॉपी दीज 4 questions। डन, एनीथिंग एल्स एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क।